हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कोकोनट बर्फ़ी। ये डेसिकेटेड कोकोनट बर्फ़ी बनाने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। तीन इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले लेंगे हम चीनी। चीनी को हमें चाशनी बनानी है तो एक कप चीनी लेनी है और आधा कप हम यहाँ पर पानी का यूज़ करेंगे और इसकी एक तार की चाशनी बना लेंगे। हमें धीरे धीरे करके हमारी चीनी को पानी में अच्छे से मेल्ट करना है ताकि जो उसकी चाशनी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बने, यानी कि एक तार की बने। तो देखिए, हमारी चाशनी में अच्छे से बॉईल आने लगा है। जैसे इसमें बॉईल आएगा, आप इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कार्डिमम फ्लेवर ऐड कर रही हूँ, यानी कि इलायची का फ्लेवर ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 ड्रॉप्स यहाँ पर मैंने इलायची के एसेंस की डाली हैं। आप चाहो तो कुछ और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी एक तार की जो चाशनी है हमें वो बनानी है। तभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी जो चाशनी है वो बन करके रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, यानी कि जो कोकोनट का बुरादा होता है वो डालेंगे या घिसा हुआ कोकोनट डालेंगे। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये हमारी चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी जो बर्फ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम यहाँ पे मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप मिल्क पाउडर यूज़ किया है ताकि आपको जो डेयरी का प्रोडक्ट होता है, यानी कि दूध होता है या खोआ होता है, उसका भी फ्लेवर इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ मिल्क पाउडर इसमें डालने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये बहुत जल्दी थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, इसमें एक भी लम्स नहीं रहेगा ना, तो ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, सॉफ्ट बनेगी और खाने में इसका जो टेस्ट है ना वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पे अब 2 चम्मच घी ऐड किया है। आप चाहो तो इसमें घी स्किप भी कर सकते हो, पर अगर आप घी डालोगे तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम इसे थिक होने तक पकाएंगे, यानी कि हमें इसे गाढ़ा करना है। इतना थिक करना है कि जिससे ये आपकी बर्फ़ी बहुत ईजीली जम सके। सकते हो ये कितने अच्छे से धीरे धीरे करके थिक होने लगी है और हमने जो घी डाला था वो अभी साइडों में है और जैसे ही इसकी जो बर्फ़ी हमारी थिकनेस पकड़ेगी तो इसका जो घी है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आप देख सकते हो हमारी जो बर्फ़ी है वो यहाँ पर धीरे धीरे करके गाढ़ी होने लगी, यानी कि थिक होने लगी है। अभी हमारी बर्फ़ी जो है जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुकी है, तो गैस को ऑफ कर देंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी, तो मुझे ग्रीन कलर अच्छा लगा तो मैंने इसमें यहाँ वो ऐड कर दिया है। आप चाहो तो अपना फेवरेट कोई कलर ऐड कर सकते हो या फिर कलर को स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें पूरे में ग्रीन कलर जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे एक बाहर निकाल लेती हूँ। अब हम इसे किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ट्रांसफ़र करने से पहले आप इसमें एक एल्युमिनियम का पेपर जो होता है या फिर एल्युमिनियम की जो शीट होती है उसे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। उससे क्या होगा ना, आपकी जो बर्फ़ी है बहुत इजीली निकल आएगी। तो चलिए इसे बर्फ़ी की शेप में एक बार शेप दे लेते हैं, यानी कि इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो लीजिए, ये सेट हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो जैसे ही ठंडी हो जाएगी अब हम इसे बाहर निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट पे इसे निकाल लिया है। अब हम इसे अच्छे से इसके जो पेपर को रिमूव कर देते हैं और आप देख सकते हो जो हमारी बर्फ़ी है वो बहुत ही अच्छे से जम कर रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे गार्निश करेंगे थोड़े से सिल्वर पेपर्स के साथ में। आप चाहो तो किसी और चीज़ के साथ भी इसको गार्निश कर सकते हो, यानी कि आप इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर सकते हो या फिर किसी और चीज़ के साथ, रोज़ पेटल के साथ भी कर सकते हैं। चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो आप जैसे मर्ज़ी चाहो इसके पीसेस कट कर सकते हो, लंबे लंबे, पतले पतले या फिर छोटे छोटे, जैसे मर्ज़ी चाहे आप इसकी कटिंग कर सकते हो। ये बहुत ही इजीली कट जाती है। चलिए, बर्फ़ी हमने काट करके रेडी कर ली है। अब हम इसे प्लेट में सर्व कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो बर्फ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो गाइज़, बनाइए, खाइए, इन्जॉय कीजिए। साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जा करके कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। उससे प्रेस करने से हमारी जो वीडियोज़ हैं उनकी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो गाइज़, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।